चलिए पोर्च एक बनाना सीखते हैं। हमें नॉनस्टिक पैन ले लेना है, उसमें ढेर सारा बटर हम लगाएंगे और ये मोल्ड मैंने रखा हुआ है। आप अगर मोल्ड नहीं है तो भी कर सकते हैं। सिर्फ आप देख सकते हैं मैं क्या कर रही हूँ। एग को हमें इसमें डाल देना है, दोनों मोल्ड में। दो पोर्च एग मैं बनाने वाली हूँ। पोर्च एग का मतलब ये है कि वाइट पोर्शन जो है वो पूरी तरह से कुक होता है और येलो पोर्शन जो है वो थोड़ा सा स्लरी होता है और वो खाने में भी टेस्टी है और बहुत ही स्वादिष्ट होता है। तो चलिए देख सकते हैं आपने, मैंने ये मोल्ड निकाल दिया है। बस ये पोर्च एग इसे बोला जाता है और बहुत शान से लोग खाते हैं ब्रेड के साथ में। और बस इसे आप सर्व कर दीजिए। और मैं आपको दिखाना चाहती हूँ कि ये वाइट पोर्शन जो है पूरी तरह से कुक हो गया, लेकिन येलो पोर्शन जो है वो ही इसका, ये पोर्च एग का जो है वो मेन इंग्रेडिएंट बोला जाता है कि ये हमें थोड़ा सा स्लरी होना चाहिए और ये जो कुक है वो इसी प्रकार से होगा। आप मोल्ड नहीं है तो थोड़ा अनइवन होगा वाइट पोर्शन, और आप देख सकते हैं येलो जो है एकदम स्लरी हुआ है ना। बस तो ये आपका पोर्च एग रेडी है, बनाइए खाइए और खिलाइए। चलिए दूसरा हम एग सिखाते हैं। ब्रेड जो है मैंने बीच में से राउंड कट कर लिया है, और इस प्रकार से राउंड कट करने के बाद में सिलिकन मोल्ड है या आपका मेटल का मोल्ड है जो हम केक बनाते हैं उसमें आप बना सकते हैं। मैं ये सिलिकॉन में बना रही हूँ। मैंने एक 2 टेबलस्पून जितना बटर ले लिया है और 2 टेबलस्पून ये वाइट एग का जो वाइट पोर्शन है वो डाल रही हूँ। दोनों को हम मिक्स कर लेंगे अच्छे से, और फिर ये ब्रेड जो है हमें उसमें इसे लगा देना है। ये 4 बना रही हूँ तो चारों ब्रेड में हम लोग इस तरह से ऊपर से लगा देंगे, क्योंकि ये क्रंची ब्रेड के साथ में एग बनने वाला है। ये आप ब्रेड बाइट्स बोल सकते हैं। और बस इसको इसके अंदर डाल दीजिए ऐसे, बीच में से टूटे नहीं, वो बहुत देखना ज़रूरी है। कोई बात नहीं, ये आप ये वापस इसी में बटर और ये एग वाइट जो है वो डाल दीजिए, और फिर एग लेके इसके बीच में हमें रख देना है। तो चारों इस प्रकार से हम रेडी करने के बाद में इसे हम ओवन में रखेंगे। आप टोस्टर में भी इसे बना सकते हैं। और थोड़ा सा सॉल्ट ऊपर से डाल दीजिए, और अगर चीज़ आप ज़्यादा पसंद करते हैं तो चीज़ आप ऊपर से डाल सकते हैं। ये जो ब्रेड है बहुत ही क्रंची टोस्टी होने वाला है, और ये ब्रेड बाइट्स मैं इसे बोलती हूँ। तो चलिए इसे हम ओवन में रख देंगे, और करीबन इसे 20 मिनट हमें पकाना है। और आप देख सकते हैं किस प्रकार से ये ब्रेड टोस्ट ऑमलेट एग बन के आया हुआ है। मैं निकाल के आपको दिखाना चाहती हूँ। आप देख सकते हैं मैंने ये निकाला है, और बहुत ही इजीली ये सिलिकॉन मोल्ड हमेशा ही निकल जाता है, चिपकने का भी कोई डर नहीं रहता है, तो मैं हमेशा यूज़ करती हूँ। आपको काट के मैं दिखाऊँ, बहुत ही क्रंची ये हुआ है और अंदर से भी अच्छे से कुक हो गया। आप ये स्लरी भी रख सकते हैं येलो पोर्शन जो है। तीसरा मैं आपको दिखाने जा रही हूँ, जो हम पोटैटो को, हम पहले बड़ा पोटैटो लेना है और इसे हमें काट के बीच में से थोड़ा सा ऑयल लगा दीजिए, और फिर इसे हमें बेक करने रख देना है। आप देख सकते हैं मैंने बेक करने के लिए रख दिया है। ओवन में रख सकते हैं, टोस्टर में रख सकते हैं आप, देशी ओवन भी मैंने बताया है कैसे बनाना है, इसमें बना के रख सकते हैं। ये करीबन 20 से 25 मिनट के बाद में ये
ऐसे हुक होके आया है, तो मैं ये नाइफ से इसके बीच में ये जो इसका पोर्शन है, ये आलू का, वो मैं इस तरह से निकाल रही हूँ। और निकालने के बाद में हम उसको पूरा इसमें से निकाल देंगे और उसकी छिलका जो है वो इसी में रखेंगे और साइड का भी थोड़ा इसी में रखेंगे। अभी हमें इसमें स्टफिंग करना है, तो हम इसमें बटर डालेंगे। बटर के ऊपर मैं ये आलू जो है इसी में से मैंने निकाला हुआ है वो हम डालेंगे। और आप ये साइड से भी सभी कुछ करके फिर भर सकते हैं, लेकिन आपको दिखाना था इसलिए मैं इसी में दिखा रही हूँ। और ढेर सारा चीज़ हमने डाला हुआ है, और इसमें हम वाइट पेपर डालेंगे जो तिखास देगा, थोड़ा सा ऑरिगेनो डालेंगे, और फिर वापस वही हम करेंगे जो आलू हमने डाला है, हमने चीज़ डाला है, ये सभी चीज़ें हम इसके ऊपर डाल देंगे। और बीच में थोड़ा सा हम वो जो है वो जगह कर देंगे, क्योंकि हमें यहाँ पे एग रखना है। और ऊपर से सॉल्ट डाल दीजिए। बीच में एग जो है वो पूरा आप डाल सकते हैं, या साइड में लेके येलो पोर्शन और थोड़ा सा वाइट पोर्शन डालें अगर आपको लगता है कि ये बहुत बड़ा एग है आपका, तो बस देख सकते हैं आप मैंने किस तरह से ये बीच में रख दिया है। और इसे वापस हमें ओवन में रखना है, करीबन ये 5 से 10 मिनट में हो जाएगा। और उसके ऊपर मैंने ये ब्लैक पेपर छिड़क दिया। चलिए इसको ओवन में रख देते हैं। और ये दोनों ही रेडी है फील करके उसको ओवन में रख देंगे। और आप देख सकते हैं मैंने ओवन में रख दिया है। ये येलो पोर्शन है, थोड़ा सा ज़्यादा मैंने कुक किया है, लेकिन आप उसे स्लरी भी रख सकते हैं। और ऊपर से आप ये चिली फ्लेक्स डाल के सर्व करिए। अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो तो आप मुझे लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन ज़रूर दबाइए।